अभी के टाइम पे काफी सारे माइक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट क्या ये माइक्स आपके नीड और बजट दोनों में फिट है? नहीं। दैट्स व्हाई ऑडियो एरे ने लॉन्च करा अपना AMC42, जो माइक आपके कंप्यूटर के साथ साथ आपके मोबाइल फोन पे भी फुल्ली सपोर्टेड है। इसमें यूज किया है भाई, काफी टाइम से ऑडियो एरे के माइक्स यूज करता आया हूँ एंड इनके प्रोडक्ट सच में काफी ज्यादा प्रीमियम होते हैं, जो आपके बजट के साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं। और हाल ही में लॉन्च करा है ऑडियो एरे ने अपना AMC42, इसकी क्वालिटी आपके होश उड़ा देगी। तो भाई उड़ने से पहले अनबॉक्स कर ले। यहाँ पे इन द बॉक्स हमें काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है थैंक यू कार्ड, मैनुअल एंड इसके बाद टोटल माइक के एक्सेसरीज। तो यहाँ पे इतने सारे एक्सेसरीज हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा पॉप फिल्टर, ये है विंडशील्ड और ये है हमारा बूम आर्म एंड ये रहा इसका स्टैंड जिसपे ये बूम आर्म फिट होगा। फिर जब बात करें शॉक माउंट की, तो भाई यहाँ पे ये शॉक माउंट काफी ज्यादा यूनिक लगा है। आपको ये शॉक माउंट दिख रहा होगा जो काफी ज्यादा यूनिक है मेरे पुराने वाले से, देख सकते हो आप। फिर हमें मिल जाता है A to B केबल जो 2 से 3 मीटर का है, काफी लंबा है। पर फिर यहाँ पे टोटल हमें 4 केबल टाइज देखने को मिल जाती है अपने वायर को सेट करने के लिए। अभी तक जितने भी ऑडियो एरे के माइक्स मैंने यूज करे हैं उसमें ये एडेप्टर हमें नहीं मिलता था, बट इस वाले माइक में हमें ये एडेप्टर देखने को मिलता है, जिसके जरिए हम इस माइक को मोबाइल फोन पे क्लियरली यूज कर सकते हैं। एंड फिर ये रहा हमारा माइक्रोफोन जो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, बट इस माइक में भी थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे आपको देखो इसका डाइफार्म दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया है। पुराने वाले में थोड़ा सा फॉर्म था, मीन जो अभी मैं करंटली यूज कर रहा हूँ इसमें बीच में फॉर्म है, आप दोनों स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे आपको नए वाले माइक पे डाइफार्म दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है। और कुछ नॉब्स दिए गए हैं इन द माइक हमें, तो सबसे पहला हमारा एको का, जो हमारे वॉइस को एको में कन्वर्ट करता है। फिर हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम बटन, जिसके जरिए हम माइक की वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 3.5 mm का जैक, जिसके जरिए हम अपने ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हैं लाइव। एंड यहाँ पे हमें एक बटन देखने को मिल जाता है जिसके जरिए हम अपने वॉइस को म्यूट अनम्यूट दोनों कर सकते हैं। अब जरा कुछ फीचर्स और इसके यूजेबिलिटी की बात कर ले, तो ये माइक हमारा कार्डियोइड पॉलर्ड पैटर्न पे बेस्ड है, जिसका मतलब ये हार्ट शेप में वॉइस रिकॉर्ड करता है। फिर इन द बॉक्स हमें इसके फ्रीक्वेंसी डिटेल देखने को मिल जाते हैं, बट ऑडियो एरे के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस माइक को आप किसी भी डिवाइस पे आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा USB Type-B और C दोनों के साथ आता है। मतलब सिंपल है भाई, अगर आपको स्ट्रीमिंग करना है, पॉडकास्ट वीडियोस बनाने हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं, गेमिंग करना है, तो उसके लिए परफेक्ट है। अब देखो इस माइक को यूज करने के लिए इन द बॉक्स जितने भी कंटेंट हमें देखने को मिले हैं उन्हें सेटअप करना पड़ेगा अपने टेबल पे। तो सिंपली टेबल पे सबसे पहले टेबल स्टैंड को लगाना है, फिर लगाते हैं अपना बूम आर्म एंड इसके बाद हम लगाएंगे अपना शॉक माउंट, यूनिक शॉक माउंट। तो ये कुछ इस तरीके से लग चुका है। अब सिंपली यहाँ पे हम अपने माइक को फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने माइक को कर लिया है फिट, अब यहाँ पे हम अपने केबल को कनेक्ट करेंगे माइक से एंड सिंपली केबल को टाई करेंगे हम अपने बूम आर्म पे। तो हमारा माइक हो गया रेडी टू यूज। अब हम इसे सिंपली कनेक्ट कर लेते हैं अपने PC या फिर मोबाइल फोन से। विंडशील्ड तो लगाया ही नहीं हमने, और पॉप फिल्टर तो भाई यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो अब आते हैं असल टेस्टिंग पे। वही गाइस, हमने अपने माइक को सेटअप कर लिया है एंड इसे कनेक्ट कर लिया है अपने PC से एंड यहाँ पे जो भी वॉइस आप सुन रहे हो वो डायरेक्टली हमारे इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है PC के जरिए। एंड इस माइक में सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा इसका नॉइस कैंसिलेशन। तो इसका नॉइस कैंसिलेशन मेरे पुराने वाले माइक से फार बेटर है एंड यहाँ पे मैंने कोई भी तरह का एडिट नहीं करा है एंड इसकी ऑडियो अभी ही कितनी ज्यादा परफेक्ट आ रही है। तो चलो थोड़ा सा हम इस पे एडिट करते हैं एंड अब आप जो वॉइस सुन रहे हो वो थोड़ा सा एडिटेड है एंड यहाँ पे वॉइस क्वालिटी काफी ज्यादा एनहेंस हो चुकी है, क्वालिटी से आपको फर्क पता चल रहा होगा। यहाँ पे मैंने अपने पॉप फिल्टर को हटा दिया है एंड अब जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है डायरेक्टली हमारे विंडशील्ड से रिकॉर्ड हो रही है। तो PC से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो को मैंने आपको अच्छे तरीके से सुना दिया है। अब जरा इसे टेस्ट करते अपने मोबाइल फोन पे एंड उसकी क्वालिटी आपको सुनाते हैं। तो गाइस, अभी मैंने अपने माइक को मोबाइल फोन से कनेक्ट करा है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से। तो यहाँ पे आपको वॉइस क्वालिटी समझ में आ रही होगी कैसी है। अब जब हम अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तो जरा नॉइस कैंसिलेशन भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे अभी तक मैंने वॉइस में कोई भी तरह का एडिट नहीं करा है, बट अब अपने मोबाइल फोन के ऑडियो में भी थोड़ा सा एडिट करके देखते हैं। एंड यहाँ पे जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा एनहांस हो गई है।
तो आपको रॉ ऑडियो और एडिटेड ऑडियो दोनों में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल गया होगा। और बात रही ऑडियो एरे की, तो भाई मैं अभी भी करेंटली ऑडियो एरे का AM-C1 माइक यूज कर रहा हूँ एंड इसकी क्वालिटी आपके सामने है। और C42 की तो सुना ही दी भाई। अभी के टाइम पे हर दूसरा बंदा क्रिएटर बनना चाहता है, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, इंस्टा पे रील्स बनाना चाहता है और छा जाना चाहता है, तो उन सब के लिए ये माइक काफी ज्यादा अमेजिंग साबित होने वाला है क्योंकि इन बजट ये आपको बहुत ही बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ दो डिवाइसेस पे आप इजिली यूज कर सकते हो बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। और इस माइक की एक और चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, वो है नॉइस कैंसिलेशन, जो इस माइक से फार बेटर है। After all the things, जो भी वीडियो में मैंने शेयर किया वो इस माइक को परचेस करने के लिए काफी है। एंड लास्टली इस माइक की कॉस्ट अराउंड 2500 के आसपास है, जो आप इसे Amazon से परचेस कर सकते हैं। एंड इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भाई इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और ऐसे वीडियोस लगातार देखने के लिए बजा दें।